2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है और इस बार 2019 की गांधी जयंती बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। गांधी जी की जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। एक सवाल हर भारतीय के मन में जरूर आता होगा कि भारत के नोटों पर छपने वाली गांधी जी की तस्वीर कहां से आई, इस तस्वीर को किसने खींची और इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीरें सबसे पहले 5 और 10 रुपए के नोटों पर साल 1969 में छपी थी। उस तस्वीर में गांधी जी के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था और यह साल गांधी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी था। महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले भारतीय रुपए पर किंग जॉर्ज की तस्वीर भी छपा करती थी। किंग जॉर्ज की तस्वीर वाला नोट 1949 तक चलन में था। इसके बाद अशोक स्तंभ वाला नोट आया। आपको बता दे कि साल 1996 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों की सीरीज जारी की गई थी। बापू की जो तस्वीर आज हम नोटों पर देखते हैं वो तस्वीर वायसराय हाउस यानी अब के राष्ट्रपति भवन में 1946 में खींची गई थी। उस वक्त राष्ट्रपिता म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी फेडरिक पेथिक लॉरेंस से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उस वक्त गांधी जी भी उस मुलाकात में मौजूद थे और बापू की इस तस्वीर को उसी वक्त खींची गई थी जो आज आप भारतीय नोटों पर देखते हैं। लेकिन उस तस्वीर को किस फोटोग्राफर ने खींची थी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। शायद उस वक्त उस फोटोग्राफर का नाम किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। आरबीआई ने साल 1996 में नोटों के डिजाइन में बदलाव करने का फैसला किया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो को स्थान दिया गया। इसके साथ ही अशोक स्तंभ को नोट के निचले हिस्से में बाईं तरफ रखा गया। अशोक स्तंभ अब निचले हिस्से में दाईं ओर नजर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी नोटों पर वाटरमार्क एरिया में गांधी जी की फोटो मुद्रित करने की सिफारिश 15 जुलाई 1993 को की गई थी, जबकि नोट में दाहिनी ओर गांधी जी की तस्वीर मुद्रित करने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।